तो भाई लोग द 100 वुमेन कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 7 है ना, इस मैच में बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन के सामने होगा टेंट रॉकेट वुमेन्स। अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें ना, तो दोनों ही टीमें अपना पहला पहला मैच हार कर आई हैं। तो दोनों टीमें चाहेंगी ना कि भैया इस मैच को जीतते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी हारे तो जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो रास्ते को मुश्किल नहीं बनाते, मैच जीतते हैं। लेकिन आपको पता ना, दोनों छोरियों में से कोई एक छोरी जीतेगी, एक छोरी हार जाएगी। तो कौन सी छोरियाँ जीतेंगी, कौन से छोरियों को हारना पड़ेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर हम इससे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इनके बीच में 3 मैच खेले गए, जिसमें से 2 मैच जीता बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन्स ने, 1 मैच जीता टेंट रॉकेट वुमेन्स ने। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, क्या बर्मिंघम फोनिक्स फिर से करेगा मैदान फतेह, या टेंट रॉकेट वुमेन्स करेंगी पलटवार, लेंगी पिछली हार का बदला? चलो यही जानते हैं। बस भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। और आपको ये भी बताया, मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और भाई लोग साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना द 100 वुमेन्स के अलावा द 100 मेन कंपटीशन चल रही है, लंका प्रीमियर लीग चल रही है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए, इसलिए इधर उधर और किसी ज्वाइन नहीं करना। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पर जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भैया ये जो मैच है ना, सैटरडे 5 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा इट बॉस्टन बर्मिंघम के मैदान पे। यहां पे इससे पहले द 100 वुमेन्स के 7 मैच खेले गए, जिसमें से 3 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, 4 मैच में क्या हुआ, टारगेट चेज। मतलब चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो तो बिल्कुल बराबरी की है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 139 139 रन, टारगेट चेज की बात करें 131 131 के नीचे स्कोर बनेगा। तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 147 147 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 131 से 147 के बीच में स्कोर होगा, आप समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया। चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ग्रोस है, ग्रोस क्या हम फ्लैट ही बोलेंगे, क्योंकि शुरू के 10-12-15 बॉल जो तेज गेंदबाजी उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलती, नहीं तो उसके बाद जब बॉल की साइनिंग खत्म होती है जो बॉल होता है ना बैट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 63 मीटर से 76 मीटर की है, मतलब बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको एक आधा विकेट तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ है ना उनकी पिटाई भी चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 29 से 34 के बीच में देखने को मिल सकता है। 100 बॉल स्कोर की बात करें तो 130 से 145 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन्स ने 7 मैच खेला, 7 में से 3 जीते 4 हारे। मतलब अपने ही घर में बर्मिंघम फोनिक्स की वुमेन की जो टीम है एक जीतती है एक हारती है। टेंट रॉकेट वुमेन्स की बात करें तो इन्होंने 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा। ये जो दोनों मैच था ना बर्मिंघम वुमेन्स से खेला, यानी टेंट रॉकेट वुमेन्स यहाँ पर बर्मिंघम फोनिक्स को पहले भी हरा चुकी है। मतलब जब इन दोनों टीमों की लड़ाई यहाँ के मैदान पर होती है तो एक बर्मिंघम फोनिक्स जीती है तो एक टेंट रॉकेट जीती है। तो आज के मैच में क्या होगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन्स की। अगर हम यहाँ इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो इनकी कप्तान है एवलिन जोन्स, वो बोलेंगे कोई भी चेंज ना करेंगे, पहला मैच जरूर हारे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हारे, तो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे जो इनकी बल्लेबाजी है। अगर हम पहले मैच की बात करें तो सोफी डिवाइन के अलावा ना बाकी सारी बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, एक भी ना चली। चाहे हम यहां पे एवलिन जोन्स कप्तान की बात कर लें, एमी जोन्स की बात कर लें, एरिन बर्न्स की बात कर लें, एमिली अरलोड की बात करें, कोई भी बल्लेबाज रन ना बना पाई सोफी डिवाइन को छोड़कर। हालांकि ये बल्लेबाज इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, बस पहले मैच में चल ना पाए, तो बल्लेबाज इनकी लाइनअप ठीक ठाक है लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस ना कर पाई, इनको आगे कुछ बढ़िया करना होगा तो सोफी डिवाइन का साथ देना पड़ेगा, बाकी बैटर को बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी फिर भी ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि एजी बोंग है, एजी बोंग की बात करें तो जबरदस्त गेंदबाज है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करती है। हन्ना बेकर है, हन्ना बेकर की बात करें तो ये भी जबरदस्त गेंदबाजी करती है, पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करके दिखाई। कैटी लेबिक की बात करें तो कैटी लेबिक भी काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाज है जो पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी। हालांकि चेरिस फेवलिक पहले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करती नजर आई लेकिन डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी गेंदबाजी लाइनअप ठीक ठाक है, पहले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी थी, बस जबरदस्त परफॉर्मेंस ना कर पाई। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे टेंट रॉकेट वुमेन्स की बात करें जो इनकी कप्तान है नेट स्काइबर बंट, वो भी बोलेंगे हम भी कोई चेंज ना करेंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ हारे हैं, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, मैच हारे हौसला ना हारे। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ब्रायनी वुमेन्स के साथ लेजरली ओपन करने आई थी लेकिन इन दोनों की बात करें तो पहले मैच में फ्लॉप हो गई, ना चल पाई, जबकि
लीजर ली तो कमाल की बल्लेबाज है, लेकिन पहले मैच में बल्ले से रन ना निकले। नेट स्क्राइबर बर्न ने बढ़िया पारी के लिए एक छोर संभाल के रखा था, थोड़ा बहुत मनप्रीत कौर ने इनका साथ दिया था। तो ऊपर के चार बल्लेबाजी जो टॉप के चार बल्लेबाज है ना, इनकी काफी ज्यादा बढ़िया है। बस पहले मैच में नेट स्क्राइबर बर्न ने बढ़िया पारी के लिए और हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा सा साथ दिया, बाकी बैटर ना चली। लेकिन ये हर दिन ऐसा नहीं होगा, आगे चलेंगी। उसके बाद फ्रैन विल्सन है जो अच्छी तरीके से फिनिश करना जानती है। जॉनी गार्डनर भी है जो ये भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी करती है, साथ में थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते थे। इनकी बल्लेबाजी लाइनअप भी काफी ज्यादा बढ़िया है, बस पहले मैच में बढ़िया परफॉर्म ना कर पाई। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो जो इनकी गेंदबाजी है ना, उसको हम थोड़ा सा हल्की कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास अलाना किंग है जो बढ़िया गेंदबाज है, पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी भी थी। नौमी दत्तानी है, ये भी बढ़िया गेंदबाज है जो पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी थी। इन दोनों के अलावा कैथरीन स्क्राइबर बट है, कैथरीन स्क्राइबर बट की बात करें तो कभी गेंदबाजी बढ़िया करती है, कभी स्ट्रगल करती है। एलेक्स स्टोन हाउस भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती। हालांकि पिछले मैच में केस्टी गॉर्डन ने बढ़िया गेंदबाजी करी थी। इनकी गेंदबाजी की बात करते ये ना मुझे थोड़ा सा हल्की नजर आ रही थी। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों की मतलब कंपेरिजन करें तो जो ब्रिविंगर फिनिक्स उमेंस की टीम है ना, इनकी गेंदबाजी सॉलिड नजर आ रही है और टेंट रॉकेट उमेंस की बल्लेबाजी बेहतर नजर आ रही। तो हम कह सकते हैं जो मैच है ना, गेंदबाजी वर्सेस बल्लेबाजी है, तो कौन सी टीम ये मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करते हैं, जो मैच है ना वो मुझे 50-50 नजर आ रहा है, 50 ब्रिमिंगम फोनिक्स वुमेन एंड 50 ट्रेंट रॉकेट वुमेन्स। लेकिन मैं अपनी मान को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना, ट्रेंट रॉकेट वुमेन्स अपने नाम पे कर सकता है। और साथ में मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपको ये भी बताना, द 100 वुमेन्स के अलावा द 100 मेन कंपटीशन भी चल रही, लंका प्रीमियर लीग चल रही, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।